अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मैं हूँ आप लोग साथ राहुल से। तो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो के साथ। और अभी मैं माल्टा एयरपोर्ट में हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, 4 साल के बाद मैं घर जा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा जर्नी है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि आज मेरे 3:30 बजे फ्लाइट है, तो मैं कल शाम तक इंशाल्लाह घर पहुँच जाऊँगा। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो KFC है, तो एयरपोर्ट के अंदर हम लोग KFC में बैठा हूँ और मेरे साथ जसकरण पाजी, युवराज पाजी। तो मैं घर से खाना खा के आया, इसलिए मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ और दोनों पाजी अभी खाना खा रहे हैं, तो मेरे को छोड़ने के लिए आया था यहाँ एयरपोर्ट में। वही जो बहुत सारे भाई लोग हैं जो मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे को मैसेज करते हो, ठीक से रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ। तो अगर मेरे मतलब कलकत्ता, मेरे घर है कलकत्ता में, तो अगर कोई मेरे से मिलना चाहते हो जो कलकत्ते के आसपास रहते हो, कोई भी मिलना चाहते हो तो मेरे से मिल सकते हो। हाजी देखो गाइस, माल्टा एयरपोर्ट में परफ्यूम देखने के लिए आया था। एक परफ्यूम इंडियन मनी लगभग 11-12 हज़ार। तो गाइस, अभी माल्टा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं जिस टाइम आया था उस टाइम भी हल्का हल्का बारिश हो रहा था, और अभी जाने के टाइम भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखो फ्लाइट कितना खाली है, बहुत सारे सीटें खाली है। और यहाँ पे हिंदी मूवी देख रहा हूँ, वो भी अरबिक लैंग्वेज में, तो अच्छा लग रहा है देखने में कि ये लोग जब अरबिक बोल रहे हैं, मतलब ये लोग तो नहीं बोल रहे लेकिन अरबिक डबिंग है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदी कहीं प्यार ना हो जाए, मूवी अरबिक की लैंग्वेज में है। गाइज, एक बात बताऊं, ये फ्लाइट कितना ऊंचाई से उड़ रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन देखो बहुत नीचे देखो बादल दिख रहे हैं, मतलब कितना ऊंचाई से ये प्लेन उड़ रहा है। देखिए देखिए गाइज, बहुत नीचे छोटा छोटा बादल दिख रहे हैं। तो गाइज, मैं फाइनली ये दुबई पहुंच गया हूं, और दुबई टर्मिनल 3-1 में आया हूं, और जो मेरा लगेज है वो अभी भी टर्मिनल 3 पे है। तो वहां से यहां पे ट्रांसफ़र करेगा बोला, क्योंकि माल्टा से दुबई तक मेरा जो फ्लाइट वो एमिरेट्स था, और अभी दुबई से जो इंडिया का फ्लाइट है वो इंडिगो, इसके लिए लगेज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मेरे को बाहर जाने नहीं दिया। और गाइस, ये देखिए दुबई एयरपोर्ट है भाई। यहाँ का खाना मेरे पास तो दिराम नहीं है, यूरो है, तो
मेरे पास सिर्फ 35 दिरहम है। मैं सोचा चलो कुछ खा लेते यार, मैं सोचा बाहर के जैसा कुछ मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बाहर के हिसाब से। तो यहाँ पे देखा अंदर खाने का बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं माल्टा में देखा जो मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके देखा 2-1 यूरो में बर्गर मिल जाते हैं, पर यहाँ पे बर्गर भी बहुत एक्सपेंसिव है एयरपोर्ट के अंदर। तो चले गए से मैं आप लोगों को, मैं एक साथ पूरा जो डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ कहीं बैठ के बाद में मैं शेयर करूँगा कि दुबई से माल्टा से आने का टाइम कौन सा फ्लाइट आपको बुक करना चाहिए और मेरे साथ क्या क्या हुआ और आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका कितना मतलब खर्चा हुआ, वो सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो बाद में बोलते वीडियो के एंड पे बताऊँगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो फाइनल गाइस मैं घर पहुंच गया हूँ और मेरा जो माल्टा से इंडिया का जो जर्नी था वो उतना अच्छा नहीं था, जिसके वजह से मैं पूरा वीडियो शूट कर नहीं पाया। तो काफ़ी मेरा लोकेशन हो गया, तो वो पूरा मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्या क्या लोकेशन हो गया। और मेरा जो फ्लाइट था वो माल्टा टू दुबई एमिरेट्स और दुबई टू कलकत्ता वो इंडिगो था। तो जैसे मैं माल्टा से आया तो मेरे को बस वही वैक्सीन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और आई कार्ड ये दिखाना पड़ा। और दुबई से आने के लिए आपको जो एयर सुविधा होता है उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दुबई में आपको दिखाना पड़ेगा जो एयर सुविधा का फॉर्म और टिकट, पासपोर्ट और आई कार्ड नहीं देगा, तो आई कार्ड भी देख सकते हैं, बस यही है।